नवसारी कृषि विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है जिसे 1965 में कृषि महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त होने से पहले नवसारी कृषि विश्वविद्यालय गुजरात कृषि विश्वविद्यालय का एक हिस्सा था। 1 मई 2004 को कॉलेज को एक अलग कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। यह 400 हेक्टेयर की विशाल कृषि भूमि पर फैला हुआ है। डॉक्टर आर पी एस अहलावत विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। इस विश्वविद्यालय में निम्न कॉलेज आते हैं। एन एम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एसपी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, एसपी एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वनबंधु कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस नवसारी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भरूच, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वही, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डेडियापड़ा नर्मदा, एसपी शकिलम बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सूरत, पॉलीटेक्निक इन एग्रीकल्चर भरूच, पॉलीटेक्निक इन एग्रीकल्चर व्यारा, पॉलीटेक्निक इन एग्रीकल्चर वही, पॉलीटेक्निक इन हॉर्टिकल्चर नवसारी, पॉलीटेक्निक इन हॉर्टिकल्चर परिया, पॉलीटेक्निक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डेडियापड़ा नर्मदा, पॉलीटेक्निक इन एनिमल हस्बेंड्री नवसारी। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय स्नातक स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बी टेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी फिशरीज साइंस, बीवीएससी और एएच डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमवीएससी एमएससी फॉरेस्ट्री, पीएचडी हॉर्टिकल्चर, पीएचडी फॉरेस्ट्री, पीएचडी एग्रीकल्चर, पीएचडी वेटरनरी साइंस आदि कोर्सेस कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे विश्वविद्यालय में पुरुष एवं महिला छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा है। पीजी और यूजी छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास हैं। प्रत्येक छात्रावास में एक कॉमन रूम, हॉस्टल लाइब्रेरी, कलर टीवी, गेस्ट रूम के लिए चैटल, इंडोर गेम्स रूम आदि से लैस किया गया है। संस्थान अपने छात्रों और स्टाफ सदस्यों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों के लिए विभिन्न डोमेन की लगभग 25,000 से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में बहुत सारे शोध पत्र, पत्रिकाएं और ई पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। कॉलेजों में छात्रों के लिए खेल अभ्यास के लिए सभी सुविधाएं हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खेल से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विश्वविद्यालय में छात्रों के प्लेसमेंट के लिए एक प्लेसमेंट सेल है, जो विश्वविद्यालय के युवा स्नातकों के बेहतर प्लेसमेंट के लिए सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह छात्रों के लिए कई सेमिनार, व्याख्यान, कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करता है। यह छात्रों को प्लेसमेंट की जानकारी प्रदान करता है और कैंपस इंटरव्यू की भी व्यवस्था करता है।
यह समय समय पर व्यक्तित्व विकास करिया मार्गदर्शन व्याख्यान भी आयोजित करता है। विश्वविद्यालय में विभिन्न कृषि कंपनियों द्वारा कृषि स्नातकों का चयन किया जाता है। औसत पैकेज 3 लाख का रहता है। विश्वविद्यालय में शोध कार्यों के लिए शोध निर्देशालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, जहां कृषि वैज्ञानिक शोध कार्य करते हैं। इस विश्वविद्यालय ने अनाजों, दालों, तिलहनों की बहुत सारी उन्नत किस्मों का विकास किया है, जो गुजरात राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कृषि परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।